प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का वर्चुअल शिलान्यास किया है। सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, मेयर गौतम देव और अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस के एक कार्यक्रम मंच से वर्चुअली बागडोगरा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया। इस संबंध में सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि बहुत सारे विकास कार्य के जुड़े हुए अटके हुए काम एक एक करके पूरे हो रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आपको पता है बालासन से लेकर के सेवक तक सड़क 2009 से अटकी पड़ी हुई थी, केंद्र सरकार के माध्यम से वो कार्य पूरा होने जा रहा है। इसी तरह बागडोगरा एयरपोर्ट क्योंकि सबसे बिजी एयरपोर्ट है देश में और आए दिन जो है पैसेंजर की क्षमता यहाँ पे बढ़ती रही, लेकिन जिस हिसाब से जो फैसिलिटी और जो टर्मिनल का सुविधा होना चाहिए था वो नहीं था, और मैंने बार बार केंद्र सरकार से ये बात की और मुझे इस बात की संतुष्टि है 20 अक्टूबर यानी आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से बागडोगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने का शिलान्यास का काम हुआ है। दो फेज में 3,000 करोड़ की लागत से बिल्डिंग होगी। आज जो कैपेसिटी है उससे करीब 7 गुना बड़ी कैपेसिटी होगी और जहां आज 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग सालाना ट्रेवल करते हैं, पहले फेज में 1 करोड़ और दूसरे फेज के बाद 2 करोड़ तक लोग सालाना ट्रेवल कर सकते हैं। इसके कारण पश्चिम बंगाल और विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डुअर्स, नॉर्थ बंगाल की जनता को बहुत लाभ होगा, टूरिज्म और ट्रेवल एजेंसी को लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री को लाभ होगा, ट्रेड को और व्यापार को लाभ होगा, एग्रीकल्चर और टी को लाभ होगा, हमारे जो मरीज और विद्यार्थी उनको इसका लाभ मिलेगा, युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे और मुझे लगता है ये बड़ा एसेट जो है पश्चिम बंगाल को और विशेष करके दार्जिलिंग और बागडोगरा सिलीगुड़ी की जनता को केंद्र सरकार की देन है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि बात है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एविएशन मिनिस्टर का एविएशन मिनिस्ट्री से ये किया गया है और मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के सरकार अगर हमको हर तरफ से हेल्प करेगा तो पश्चिम बंगाल के जनता के लिए सुविधा हम लोग दे पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष से। आज जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कामयाबी हमको मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि सिर्फ कलकत्ता जो सुभाष बोस एयरपोर्ट है उसमें ही नॉर्थ बंगाल और जितने सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हैं उनका यातायात के लिए डिपेंडेबल था एकमात्र कलकत्ता का एयरपोर्ट। अगर यहाँ टर्मिनल बढ़ता है तो यहाँ से भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में यातायात बढ़ जाएगा और वहाँ का जो सुरक्षा का बात होता है उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो मैं मानता हूँ एयरफोर्स का भी अच्छा हुआ है, आम आदमी के लिए भी सुविधा हुआ है क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट बहुत सारे ज़्यादा हो जाएगा नॉर्थ बंगाल से और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं वहाँ भी जाने के लिए बहुत कम समय लगता है, कलकत्ता से ज़्यादा कम समय लगेगा। मैं मानता हूँ ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेयर गौतम देव ने कहा कि আমাকে রাজ্য সরকার থেকে বলেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি হিসাবে আমি এখানে এসেছি, শিলান্যাস অনুষ্ঠানে থাকলাম, আমাকে বক্তব্য রাখার যে আমার স্লটটা ছিল সেই স্লটে আমি বলেছি 2014 সাল ইফুইলিং সারচার্জ উঠিয়ে দেওয়া এবং নাইট ল্যান্ডিং ফেসিলিটিস করা, 28 একর জমি এবং পরে পায় 100 একর জমি রাজ্য সরকার দিয়েছে, কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে যত সমস্যা ছিল সেগুলো মিটিয়েছে, সুতরাং তার ফলে আজকে এই প্রজেক্টটা এবং এই নিয়ে বহুবার প্রধানমন্ত্রী সিভিল এভিয়েশন ইউপিএ গভর্নমেন্ট পরে এনডিএ গভর্নমেন্ট এসছে, 2014 সালে ইউপিএ গভর্নমেন্টই ছিল, তখন 1 লাখ হয়েছিল, 10 লাখ হয়েছিল এবং 1 মিলিয়ন যে প্যাসেঞ্জারটা সেটা আমি ছিলাম ইনসিডেন্টালি সেটাও বললাম, তো এসেছিলাম প্রোগ্রামে
গভর্নমেন্টের নির্দেশ ছিল, ইনভিটেশন ছিল, করে এখন এটা হচ্ছে। দেখুন, আমি জয় বাংলা বলতে পারতাম, আমি বাংলায় থাকি, জয় বাংলা তো আমার বলা কর্তব্য। কিন্তু এর আগেও আমি দেখেছি নীতিন গডকরিজি যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল সেখানেও আমাকে রাজ্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে আমি ছিলাম, সেখানেও একই ব্যাপার হয়েছে। সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপার। এখানে এটা একটা সরকারি প্রোগ্রাম, সরকার আর দলের পার্থক্য বিভাজনটা বুঝতে হবে, এটা সরকারের প্রোগ্রাম, সরকার সভা, আর দল হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দল, তার স্লোগান, তার এজেন্ডা থাকে। কিন্তু একটা সরকারি প্রোগ্রামে এই ধরনের স্লোগান এটা বাঞ্ছনীয় না, এটা পলিটিক্যাল স্লোগান। তো এই পলিটিক্যাল স্লোগান এখানে আমাদের পক্ষে খুব অস্বস্তি, কিন্তু আমি সরকারি প্রোটোকল কে মান্যতা দিই, এবং আমি নানাদের অনারেবল চিফ মিনিস্টারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ছিলাম, সুতরাং আমার সেই সভ্যতা, ভদ্রতা, এটিকেট, তার প্রোটোকল আমাকে মানতে হয়েছে, আমি সেটা মেনে আমার এটা করেছি। বাকিটা মানুষ দেখবে, মানুষ বিচার করবে, আমার আর কি বলার থাকতে পারে।